गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर टू ऑफ योर रिवियस बुक प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। हाउ द प्लांट्स लिव एंड सर्वाइव डिफरेंट कंडीशंस। द प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स आर द प्लेसेस वेयर द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। अलग अलग हैबिटेट्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, दे ऑल आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर्स। And in those habitats, the ability of the plants to adjust is called adaptations. कैसे अलग अलग habitats में plants अपने आप को adjust करते हैं, grow करते हैं, survive करते हैं, that is called the adaptations. The earth is covered with land and water. We all know that the earth is covered with land and water. और plants, land and water, दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। प्लांट्स लैंड में भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। लेट अस सी द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स थ्रू दिस। अर्थ डिवाइडेड इनटू टू, लैंड पार्ट एंड वाटर पार्ट। द लैंड फॉर्म्स आर माउंटेन्स, डिजर्ट्स, फ्लैट प्लेन्स, मार्शी एरियाज, कोस्टल एरियाज। नाउ कम टू द वाटर पार्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज and oceans. And the plants that grow on land are called terrestrial plants. The plants that grow on land are called terrestrial plants. And the plant that grows in water are called aquatic plants. So in this video we will discuss few terrestrial plants. Kuch terrestrial plants unki qualities ke bare mein hum log janenge ki how they have adapted themselves to survive in different land forms. First of all, hills and mountains. We all know that hills and mountains are very cold during winters. बहुत ठंड पड़ती है, snowfall frequently होता है वहाँ, बहुत snow गिरती है. So as the plants there are cone-shaped, वो cone-shaped होते हैं, thin होते हैं, tall होते हैं. The cone-shaped plants and the trees, their branches help the snow to slide easily down the branches. क्योंकि ये cone shaped होते हैं तो snow यहाँ पर जमा नहीं हो पाती, ये slide होकर के पिघल के और फिसल के नीचे की ओर आ जाती है. The leaves of these trees are pointed and needle-like, so as to reduce the rate of evaporation. इससे evaporation कम होता है, पानी कम से कम लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है. द नेक्स्ट वन इज डेजर्ट एरियाज, प्लांट्स इन द डेजर्ट एरियाज. एज यू ऑल नो दैट द डेजर्ट्स आर द प्लेसेस विद वेरी लिटिल रेनफॉल. यहाँ बारिश बहुत कम होती है, पानी की कमी रहती है हमेशा. सो द प्लांट्स विच ग्रो हियर हैव लॉन्ग रूट्स, बहुत लंबे रूट्स होते हैं इनके. इनकी जो जड़ें होती हैं वो अर्थ सर्विस के काफ़ी नीचे तक जाती हैं. इन सर्च ऑफ वाटर, दे सर्च फॉर वाटर डीप इनसाइड द अर्थ सर्फेस. एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बहुत कम होता है, इन प्लांट्स को बहुत कम वाटर मिल पाता है. सो बेसिकली ये रूट्स इतने अंदर तक जाते हैं कि वो एब्जॉर्व करके वाटर को और बाकी प्लांट की ज़रूरत को पूरा करते हैं. इवन इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, इनमें लीव्स बहुत कम होते हैं डेजर्ट एरिया के प्लांट्स में. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन एंड फ्लेशी स्टेम. ये जो ग्रीन और फ्लेशी स्टेम दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस इसी पार्ट में होता है क्योंकि यहाँ इनमें लीव्स बहुत कम होते हैं. नाउ द प्लांट्स इन प्लेन्स, यू कैन सी दिस बैनियन ट्री, इट्स वेरी डेंस, इट हैज़ डेंस ब्रांचेस. Because plains are the regions where plenty of light, water and soil is available for plants. Plains mein kaafi sufficient water hai, soil is in good quality, the light is there. So the plants here are very dense, the dense plants and the branches here. The plants in marshy areas, you can see this. These are the aerial roots or breathing roots. इन्हें aerial या breathing roots कहते हैं. Because the plants in marshy areas are not getting the air from soil. यहाँ का जो soil होता है वो बहुत ही sticky और clay होता है. They contain high water level.
बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है इस सॉइल में, सो इनमें एयर नहीं होता है. दे डज नॉट हैव इनफ एयर ट्रैप्ड इन इट, बट द रूट्स नीड एयर. लेकिन इन रूट्स को एयर की ज़रूरत होती है. सो द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच प्लेसेस हैव रूट्स अबव द ग्राउंड टू गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो ये अपने ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं रूट्स, ताकि एटमॉस्फेयर से एयर को अब्जॉर्व कर सकें. सो दीज आर कॉल्ड द ब्रीदिंग रूट्स. ये सांस लेने के लिए अर्थ सर्फेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं. प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, ये कोस्टल एरियाज है. यू कैन सी अ सी बीच हियर. हेयर द वाटर इज सॉल्टी एंड क्लाइमेट इज यूजुअली ह्यूमिड. बहुत ही सॉल्टी वाटर होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. द ट्रीज ग्रोइंग हियर हैव लॉट्स ऑफ लीव्स, बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, सो दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन ट्रीज. यहाँ जो प्लांट्स होते हैं, बहुत लीव्स होते हैं इनमें, पर ये अपने लीव्स शेड नहीं करते हैं. विंटर्स में इनके लीव नहीं गिरते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स. फॉर होमवर्क यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स टू रिकॉल all the points which are related with the terrestrial plants pages which I have taught you right now. The first one, second one, third one, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine and 10, 11. Okay, 10 number tak, till number 10 you have to learn them and write them neatly in your copy. These are the points to recall and remember, and do this back exercise. Tick the correct option, question number A and B, in your book. Thank you.